रोहित की रसोई की मसाले अब आपकी रसोई में शुद्धता और स्वाद के साथ। सभी प्रकार के मसाले और खड़ा मसालों के संग्रह, अच्छे मार्जिन के लिए हमारे उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूटर बने। जमीनी विवाद में बड़े भाई के द्वारा जेएमएम के प्रखंड कोषाध्यक्ष को पीटा गया, हाथ हुआ फ्रैक्चर। डंडई से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। डंडई गढ़वा। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कोषाध्यक्ष अनिल प्रसाद ने जमीनी विवाद में हुई मारपीट को लेकर शनिवार को कहा है कि मेरे बड़े भाई राजकुमार प्रसाद के द्वारा बयान दिया गया है कि जेएमएम के प्रखंड कोषाध्यक्ष के द्वारा मधुबाला व उसके पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उक्त लोगों के द्वारा लाठी डंडे से मुझे पीटा गया है, जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वहीं पिटाई की मेरे पीठ पर भी निशान है। बताया कि मारपीट का साक्ष्य भी मेरे पास है। अनिल ने बताया कि 3 सितंबर को बाबा मंगरदह के प्रांगण में पंचों के द्वारा फैसला हुआ था कि राजकुमार प्रसाद को लवाही खुटरा पर 9 डेसिमिल और डंडई के रामप्रीत साव के बगल में 1 डेसिमिल राजकुमार प्रसाद को दिया गया और इसके बदले डंडई स्टैंड पर 1.5 डेसिमिल और लवाही में कैलाश पाठक से जो जमीन खरीदा गया था उसी में 7 डेसिमिल दिया गया और हमने लवाही पंडित जी के जमीन में मकान बनाने के लिए नींव खुदवाने के लिए मजदूरों के साथ गया था कि उसी दौरान राजकुमार प्रसाद, मधुबाला देवी, हिमांशु कुमार, प्रियांशु कुमार लाठी डंडा एवं टांगे लेकर जहां नींव खुदवा रहा था वहां पहुंचे और बोलने लगे कि पंचों का बंटवारा को हम नहीं मानेंगे और खुद रहे नींव को रोकने लगे। मेरे द्वारा इसका विरोध करने पर उक्त लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिससे मेरा हाथ भी टूट गया और मैं बेहोश हो गया। मेरी माँ आकर मुझे बीच बचाव की और ग्रामीणों ने मुझे थाने लाया। अनिल ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बदनाम करने के लिए बयान दिया गया है कि कोषाध्यक्ष द्वारा भाभी और भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत है, मारपीट के दौरान स्वयं को बीच बचाव करने से वे लोग जख्मी हुए हैं। गाना गाइए और जीतिए नगद पुरस्कार। जी हाँ, आप सभी दर्शकों के लिए गढ़वा दृष्टि सिंगिंग प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसमें आप अपना 2 मिनट से अधिक तक का गाना रिकॉर्ड कीजिए और दिए गए नंबर पर भेजिए। भेजने की अंतिम तिथि 25 सितंबर है और प्रतियोगिता का परिणाम 30 सितंबर को गढ़वा दृष्टि के YouTube चैनल पर घोषित किया जाएगा। जीतने वाले प्रतिभागी को प्रथम पुरस्कार 2100, द्वितीय पुरस्कार 1100 और तृतीय पुरस्कार 500 के साथ विशेष ट्रॉफी दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 51 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराएं।